ओए होए होए होए, देखो यार कितना मज़े का सीन हुआ हुआ है। सूरज और साथ नीचे थोड़े थोड़े हल्के हल्के से बादल, और इधर हम सूरज में बैठे हुए हैं, सन बात ले रहे हैं। सूरज हुआ मदम है, अगो गाना नहीं आंदा सानू। लेकिन ये क्या मज़ा आ रहा है सन बात लेने का, और यह के सुकून मिल रहा है 15-16 दिन की ठंड खा के, और इतनी शिद्दत की ठंड के कुछ ना बताएं, कुल्फी जम गई साड़ी। ठीक है, इतनी ठंड पड़ी है पिछले 15-16 दिन से, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी है। साथ साथ पंजाबी भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए आप लोगों के साथ। ठीक है, मैं कहा चलो उर्दू के साथ साथ थोड़ी पंजाबी बोल के आप लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं, तो बस मज़ा ले रहे हैं दुख का। और कुछ ना पूछो, कुछ नहीं कर रहा बोलन नू, दिल नहीं कर रहा बोलन नू, बस दिल कर रहा तो चुप बैठा रहा ते सुकून कर रहा बस। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn it. Hello everyone, welcome to my another vlog. क्या हाल है जी? ठीक ठाक है, कैसी बीते हैं? उम्मीद है आपने आपके भाई की बर्थडे वाले जो पिछले व्लॉग है ना एंजॉय किए होंगे। आप लोग ने कहा ना यार एनी व्लॉग कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। एनी बर्थडे दे व्लॉग, एक होता है, दो होता है, तीन तीन व्लॉग बर्थडे के आप लोगों को दिखाएंगे। और आप लोगों के साथ बर्थडे जो है ना हमने अपनी सेलिब्रेट की, तो आज ही फाइनली फाइनली हुआ क्या है, हुआ ये है कि आपका भाई आया भी छत पे। ठीक है, और ये देखो जी सूरज निकल आया है, वो भी कोई 15 से 16 दिनों बाद। और धूप जरा आज जरा तेज धूप है, बहुत ज्यादा हल्की भी, लेकिन ये कि अभी थोड़ी देर हुई है धूप निकले। सुबह का धूप वाला मौसम बिल्कुल भी नहीं था, धुंध थी बहुत प्रॉपर तरीके से। लेकिन यह कि अभी जो से ना हाय 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 छाड़ दियो गल्ला सारियां, एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ओए होए होए, मजा आंदा है बना जो धूप से, क्या बात है। ईद का चान हो गया जी, हम जैसे कहते ना सबको यार तू ईद का चान हो गया, मिल के हो नहीं रहा। एंड जी जो ना सूरज मामा जो है ना वो भी ईद का चान हो गए, सानू मिल ही नहीं सन पिछले 15-16 दिनों तो। तो आज ही धूप निकल आई है, बड़ा मजा आ रहा है। ऊपर अभी मैं तो मैं रैंडम भी एक चक्कर, मैं चलो ऊपर छत का चक्कर तो लगाते हैं, ठाड़ तो वैसे है ही है, जाके देखते हैं। लेकिन हम ऊपर आए तो ऊपर सूरज निकला हुआ हुआ था, और हमें सर सूरज में बहुत मजा आया देख के, सूरज निकल आया है, आंखें पता नहीं क्या चला गया है। तो व्लॉग को करते हैं स्टार्ट, और क्या करना है आप लोगों को अभी फिर से बताता जा रहा हूँ, जिस तरह हर बार रिमाइंडर करवाता हूँ इस अंगूठे का इस्तेमाल करना है। और जल्दी से जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन को प्रेस करें। उससे होगा क्या कि चैनल पर कोई भी नोटिफिकेशन आएगी वो आप तक इजीली पहुंच सकेगी, और आप उसे एंटरटेन हो सकेंगे। और इसी तरह मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो करें। तो अपने आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, एक अच्छे दिल से एक अच्छी शुरुआत करते हैं, और आज ही सूरज की रोशनी में हम आपके साथ व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। एक और चीज़ है जो मैं आपके साथ आज रिवील करूँगा, रिवील क्या करनी है आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि व्लॉगिंग के अलावा मुझे क्या मेरा जो पर्सनल पेट्स का भी आपके भाई को शौक है। तो लेकिन अभी को 5-6 माह हो गए हैं मैंने पेट्स, मतलब कि गोट फार्मिंग का मुझे बहुत शौक है। ठीक है, मैंने रखे भी हुए थे लेकिन अभी मैंने ख़त्म कर दिए हैं, पिछली बकरा ईद के बाद मैंने अपने बकरे बिल्कुल ख़त्म कर दिए। तो ये देखें, ये मैंने शेड बनाया हुआ था, तो शेड सारा ख़त्म, तकरीबन आज मैं 5-6 माह बाद ऊपर ईद के बाद ये तकरीबन 6-7 माह हो गए हैं बकरा ईद को गुजरे, तो मैं अभी ऊपर आया हूँ। तो ये वैसे का वैसे ये सारा खोल खोल के ख़त्म करके रख दिया हुआ था, तो अभी हम ज़रा धूप का मज़ा ले रहे हैं। ओए होए होए, सुकून में रह रहा, मैं थोड़ी देर बैठूंगा धूप में सुकून से। चेयर का कोई इंतज़ाम करते हैं, यानी नहीं ये बढ़ के पड़ी हुई है इधर, ये चेयर है एक, ये चेयर पकड़ते हैं, ये हमने रखी हुई है ऊपर छत पे ना बैठने के लिए। तो अभी इधर धूप में जो है ना अपनी
जो तशरीफ आबरी है ना, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, इस चेयर पे हम रखते हैं। ओए होए, थोड़ी देर बैठते हैं फिर नीचे चलेंगे। ओए होए होए होए, देखो यार कितना मजे का सीन हुआ है। सूरज और साथ नीचे थोड़े थोड़े हल्के हल्के से बादल, और इधर हम सूरज में बैठे हुए हैं, सन बात ले रहे हैं। सूरज हुआ मदम है, अगो गाना नहीं आंदा सानू। अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। लेकिन यह क्या मजा आ रहा है सन बात लेने का, और यह के सुकून मिल रहा है 15-16 दिन की ठंड खा के, और इतनी शिद्दत की ठंड के कुछ ना बताएं, कुल्फी जम गई साड़ी। ठीक है, इतनी ठंड पड़ी है पिछले 15-16 दिन से, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी है। साथ साथ पंजाबी भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए आप लोगों के साथ। ठीक है, मैं कहा चलो उर्दू के साथ साथ थोड़ी पंजाबी बोल के आप लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं। तो बस मज़ा ले रहे हैं धूप का, और कुछ ना पूछो, कुछ नहीं कर रहा बोलन, दिल नहीं कर रहा बोलन, बस दिल कर रहा धुप च बैठा रहा तो सुकून करा बस। ऐसे ही अब धूप पे निकलने की मौसम चेंज है, क्योंकि आपको भी पता है कि अब जो डे बाय डे मौसम चेंज होना है, और अब ये धुंधा जो मौसम है वो तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। यही बस पीक डेज जो होते हैं यही जो जनवरी मिड तक होते हैं, इसके बाद अब ठंड तो रहेगी लेकिन वो धुंध का और जो जिस तरह मतलब सूरज ना निकलना इस तरह का मौसम अब नहीं रहेगा ज़्यादातर। तो अब मौसम जो सा ना वो चेंज होता जाएगा आगे, फिर फरवरी में जाके वैसे ही ठंड कम हो जाएगी। तो अभी हम बस धूप में बैठे हुए हैं और मज़ा ले रहे हैं। तो मैं आया हूँ जी अभी नीचे, और नीचे आके क्या बना सर्दियों का एक गिलास जो आप तोहफा जो अम्मा जी ने बनाया है, हर घर में बनता है गाजर का हलवा और या गजरेला। तो हमारे घर में बना है आज गजरेला, और ये देखें जी, हाय 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 हाय। तो अभी जी मज़ा लेते हैं, खाएंगे हमने। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मज़ेदार। अंबर आ गई है जी ऑफिस से, और मैं भी जिम से आ गया हूँ, आगे ज़रा फ्रेश जूस पिया, लेकिन फ्रेश जूस पी के बहुत ठंड लग रही है। बिल्कुल चिल हो गए हैं हम। तो अभी किचन में जाके देखते हैं कि क्या बन रहा है। ये लो, ये आ गई है जी। क्या बना के आई हो? क्यों खाने में क्या बना रहे हो? क्यों किचन में थी अब, आपको क्यों नहीं पता? मैं तो ब्रेड क्रम्स बना रही थी। इतनी ये सियानी, इसे ये किचन में थोड़ी से पता ही नहीं। तो ब्रेड क्रम्स क्यों बनाए जा रहे थे? कबाब पे लगाने। कबाब बनाए जा रहे हैं। मैं अपने व्लॉग को यहाँ पे करने लगा आज, आज एक छोटा सा व्लॉग आप लोग के साथ शेयर किया हमने। उम्मीद आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक दे मुझे इजाजत। अल्लाह के बाद, अल्लाह हाफिज़।